हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको ये वेस्ट ढक्कन्स का बहुत ही सुंदर यूज करके बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आने वाले नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये ऊन ली है और ऊन को ये बड़ी सुई है इसमें डाल लिया है और इस ऊन को हमने डबल करके डाला है और ऐसे ये बीचों बीच इस तरह से निकाल लिया है धागे को। और ये इसी तरह से हम पूरे ढक्कन को ढक लेंगे ऐसे करके। और फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत आसान है। तो हम इस ढक्कन को पूरे को इसी तरह से ढक लेते हैं ऐसे। और ये बीचों बीच ही निकालना है ऐसे। देखिए, और ये कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। इस तरह से हमें ढक लेना है। ये देखिए, हमने पूरे ढक्कन को इस तरह से ढक लिया है और यहाँ पर एक टाइट सी गांठ बांध ली है ऐसे। और इस बाकी एक्स्ट्रा को कट कर दिया है धागे को। ये देखिए, इस तरह के हमने ये ढेर सारे ढक्कनों को ढक लिया है और कई कलर की ऊन से। फिर हमने ये एक कार्डबोर्ड लिया है और इन ढक्कनों को इस तरह से चिपका लेना है। सबसे पहले एक, उसके बाद दो, फिर उसके बाद तीन ऐसे ही, फिर चार, और उसके बाद फिर ये तीन, फिर दो, फिर एक। इसी तरह से हमने पूरे ढक्कनों को चिपका लिया है और ये इस तरह से हमने निशान लगाकर ये एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड को कट कर लिया है ऐसे। और फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत आसान है। और ये एक्स्ट्रा जो ऊन बच जाती है ये उसका भी उस वो भी इसमें काम आ गई है। और फिर हमने ये एक ये गिफ्ट वाली पिन्नी ली है और इसे इस तरह से बराबर करके कट कर लिया है। और इसके यहाँ पर ये चारों ओर इस तरह से ऐसे लगा लेते हैं। ऐसे और ये इसे चारों ओर इसी तरह से हम लगा लेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे पूरे चारों ओर से कवर कर लिया है। और फिर हम इसे और डेकोरेट कर लेते हैं। ये छोटे वाले शीशे हैं, ये लगा लेते हैं। आप इनकी जगह कोई स्टोन भी लगा सकते हैं। तो हम ये पूरे पर इस तरह से लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए, और अब हम इनकी ये कॉर्नर से और यहाँ से ये चारों ओर से ये लेस लगा देंगे जिससे कि ये और अच्छा दिखने में लगे।
ऐसे, ये देखिए, और पूरे को इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। और हम इसे और भी डेकोरेट कर लेंगे ऐसे। और ये एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेना है। इस तरह से। और अब हम इसकी लटकन लगानी बनानी बताएंगे। सबसे पहले हमने एक पॉम पॉम डाला है, उसके बाद ये 14-15 मोती डाल लेने हैं ऐसे। इस तरह की हमने ये 3 लटकन बनाई हैं। और अब इन्हें बराबर करके यहाँ पर लगा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बड़ी लटकन लगाएंगे, ये सबसे बड़ी लटकन है ऐसे। उसके बाद हम ये दूसरी इससे छोटी लटकन है ये। और इसके बाद ये तीसरी उससे छोटी। तो हमने यहाँ पर ये 3 लटकन लगाई हैं। और इसी तरह की हम 3 लटकन यहाँ पर लगा लेंगे ऐसे ही। सबसे पहले बड़ी, और उसके बाद इससे छोटी, और इसके बाद इससे छोटी ऐसे। और 3 लटकन ही हम सबसे नीचे लगाएंगे। ये देखिए, और इन्हें हम, ये देखिए, हमने सबसे नीचे भी लगाई हैं 3 लटकन। और इन्हें इसे लटकाने के लिए यहाँ पर ये थोड़ी लेस लगाकर ये लगा देंगे इस तरह से। और ये हमारा वॉल हैंगिंग बन करके तैयार हो गया है। देखिए, सुंदर भी लग रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।